आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें हद से ज्यादा गर्मी या सर्दी लगती है, लेकिन भारत में एक ऐसा शख्स भी है जिसे भयंकर गर्मी के मौसम में भी सर्दी का एहसास होता है। हरियाणा के रहने वाले संतलाल को दुनिया का आठवां अजूबा भी कह सकते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के डेरोली अहीर गांव में रहने वाले संतलाल के आगे मौसम भी नतमस्तक है। दलित परिवार में जन्मे 58 वर्षीय संतलाल को न तो कोई बीमारी है और न ही आज तक उसे कोई बीमारी हुई। शोधकर्ता भी उसके सामने फेल हो चुके हैं। हरियाणा में इस वक्त तापमान 45 डिग्री के आसपास चल रहा है और लोग गर्मी में कम से कम कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लेकिन इन सब के उलट संतलाल हर वक्त अपने शरीर पर 5 रजाइयां ओढ़कर रखता है। इसके साथ ही जब उसको और ठंड लग रही होती है तो वो आग जलाकर सेकता भी है। जून के इस मौसम में जहां आम इंसान के पसीने छूट जाते हैं, वहीं संतलाल है कि उसे पसीने की एक बूंद तक भी नहीं आती है। संतलाल ऐसा अजूबा है कि उसे सर्दी के मौसम में तो गर्मी लगती है और गर्मी के मौसम में सर्दी। इस शख्स के आगे मौसम भी हार मान लेता है, लेकिन सोचिए जब हाड़कंपा देने वाली ठंड होती है उस वक्त यह शख्स बर्फ की सिल्ली पर लेटता है। सुबह 5 बजे उठकर तालाब में स्नान करता है और सारा दिन वे पानी में ही रहता है। डिप्टी CMO अशोक कुमार ने कहा कि संतलाल में कोई बीमारी नहीं है, उसके साथ जो भी हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ कुदरत की ही देन है। उन्होंने बताया कि वह निजी तौर पर संतलाल को जानते हैं।